मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 18 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वायु के बारे में, यानी हवा के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है मौसम और जलवायु। अब क्या लिखा है, किसी एक नियमित स्थान की नियत समय पर, यानी कि एक नियत स्थान यानी एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर समय पर वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। यानी आज मौसम कैसा है और कल मौसम कैसा है दिल्ली का, है ना, इसमें कभी भी कोई परिवर्तन हो सकता है। अब यहाँ लिखिए क्या लिखा है, एक नियत स्थान की एक दीर्घकालीन की मौसम की जो औसत स्थिति होती है उसको हम जलवायु कहते हैं। कि भाई जनवरी से लेके मार्च तक की यहाँ पर बहुत सर्दी रही, तो ये जो है ये आपकी जलवायु कहलाएगी। मौसम एक दिन का होता है, जलवायु जो है वो लंबे समय की होती है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जलवायु एक लंबे समय होने के बाद ही परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, लगभग 25 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, कैसे, अब देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए। अभी हम लोगों का सितंबर चल रहा है ना, अभी भी हम लोग को गर्मी लग रही है, कूलर एसी सब चला रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग के पेरेंट्स क्या बोलते हैं हमारे टाइम में ना, या दादा दादी क्या बोलते हैं कि हमारे टाइम में भैया सितंबर तक तो अच्छी खासी सर्दी हो जाती थी, इतनी तो हो ही जाती थी कि भाई पंखे वगैरह बंद कर दिए जाते थे। तो ये क्या है, ये जलवायु में चेंज आ गया है कि अब गर्मी बढ़ रही है ना। अभी सितंबर तो छोड़िए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की हम लोग बिना स्वेटर के रहते हैं। दिसंबर के लास्ट में जाके कई स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। दिसंबर और जनवरी दो महीने ही हम लोग स्वेटर पहनते हैं, उसके बाद फिर स्वेटर हट जाता है, होता है नहीं होता। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था आपका पता है, अक्टूबर से जो आप स्वेटर पहनते थे तो फिर वो आपका फरवरी तक तो कम से कम चलते ही था, समझ रहे हैं। तो जलवायु में लंबे समय में परिवर्तन आता है, जबकि मौसम हर दो महीने बदल सकता है। अब आप कल का देख लीजिए मौसम, कल का मौसम कैसा था, धूप, सुबह मॉर्निंग में तो अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अगर आप बात करें शाम दोपहर तक की 4 बजे के करीब तो बारिश होने लगी थी, है ना। तो ये मौसम होता है, क्या लगा, मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है, यानी कम समय में होता है। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक भी लग जाते हैं, यानी कि 10 साल भी लग जाते हैं। दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल का एक दशक होता है ना। उदाहरण के लिए अभी धूप निकली हुई है, थोड़े समय बाद बारिश होने लगी, है ना। या फिर भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आप लोग जवाब दे देंगे मानसूनी जलवायु। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 1 दिया गया है आपको, इसमें क्या लिखा है, आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं, यानी अगर आपको अपने शहर का तापमान जानना है तो आप कैसे जानते हैं। मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है, यानी जो मौसम विभाग वाले हैं वो अपना पूर्वानुमान आपको बता देते हैं कि भाई कल बारिश होने वाली है, परसों ये निकलने वाला है, या सूरज नहीं निकलेगा, या 3 दिन बारिश रहेगी। तो ये जो पूर्वानुमान होता है ये आपका किस प्रकार सहायता करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, हम अपने शहर का तापमान मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी से जानते हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है वो हमारे लिए कई प्रकार से सहायता करता है। कैसे कर सकता है, जैसे हमें पहले से पता होता है तो हम तैयार होकर जा सकते हैं। तैयार होकर जाना मतलब कि भाई बारिश होने वाली, हम अम्ब्रेला रख सकते हैं, रेनकोट रख सकते हैं, या अगर हमें पता चल जाए बारिश होने वाली है या तूफ़ान, जैसे अभी कलकत्ता में तूफ़ान आया था कितना ज़्यादा, तो पहले से ही बता दी गई थी कि तूफ़ान आने वाला है, तो क्या हुआ था कि जो काम वगैरह उन्हें रोक दिया गया था, या जो इमरजेंसी के काम थे उन्हें पहले निपटा दिया गया था, है ना। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या शुरू होता है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। तो 4 कारण है जो मौसम को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तापमान, यानी कि तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है। उसके बाद वायुदाब, वायुदाब का मतलब क्या होता है कि जो आपकी हवा है उसकी क्या वो है, ठीक है, गति क्या है, किस तरह से वो चल रही है। पवन, पवन का मतलब क्या होता है, हवाएँ। और उसके बाद आर्द्रता, यानी पानी के अंदर मौजूद नमी क्या है। तो इन चारों चीज़ों को हम नाप पढ़ेंगे और फिर इसके नापने वाले जो यंत्र हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ देखिए फिलहाल आज जो है हम 2 चीज़ों को पढ़ेंगे, वायुदाब और तापमान को, है ना। पवन और आर्द्रता को हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ें। तो चलिए पढ़ते हैं तापमान को। तो देखिए तापमान लिखा है, वायु में मौजूद ताप एवं जो शीतलता यानी कि गर्मी है या सर्दी है के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी होती है। क्लियर है बात, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह शाम। देखिए अब आपको पता है दिन में कितनी गर्मी हो जाती है,
जबकि रात में ठंड हो जाती है। तो सिर्फ आपका तापमान दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के हिसाब से भी बदलता है। अब क्या लिखा है, आत्पन। आत्पन का मतलब क्या होता है, आत्पन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के विवरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वे ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्पन कहलाता है। समझ में आ गई बात, यानी कि सूर्य से दो किरणें आती हैं, एक एटमॉस्फेयर जो है ना, एटमॉस्फेयर की जो आपकी लेयर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल है ना, तो क्या है ये आपकी कुछ किरणें सूरज के अंदर आने देती है और कुछ किरणों को वापस भेज देती है, तो जो आज आती है ना वो आपकी आत्पन कहलाती है। अब यहाँ देखिए लिखा है, आत्पन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती रहती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। अब देखिए अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ये पृथ्वी को काटने वाली वे कल्पित रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसी के ही सामने सूरज है मान लीजिए, तो सूरज की सीधी रोशनी यहाँ पड़ती है तो ये एरिया तो बहुत गर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे रोशनी तिरछी होती जाती है वैसे ही वैसे ठंड बढ़ती जाती है। यानी ये एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होगा लेकिन ये उससे कम, और यहाँ पर तो बिल्कुल बर्फ़ जम जाएगी। हमारी बात समझ में। अब बोलते हैं अगर पृथ्वी की जो सूरज है वो अगर तापमान को बढ़ा देगा तो ये तापमान इतना बढ़ सकता है, पृथ्वी में इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ पे कुछ फसलें ऐसी हैं जो उगेंगी ही नहीं कभी। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। दूसरी चीज़, वाहन फैक्ट्री और अन्य क्रियाकलापों की वजह से ईंधन खपत अधिक होती है, और ईंधन जो खपत होती है वो जलता है कहीं ना कहीं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही गर्म गैस है जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए लिखा है तापमान मापी। तापमान मापी क्या है, इसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है बात, सेंटीग्रेड में हम लोग इसे नापते हैं, सेल्सियस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका तापमान मापी होता है, इससे हम तापमान को नापते हैं। और वो बात आपको क्लियर हो गई थी सूरज कैसे करता है और किस तरह से वो तापमान बढ़ता है या घटता है। आगे देखते हैं, अब यहाँ देखिए वायु दाब की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो वायु दाब कहलाता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की जो हवा है वो कितनी, क्या प्रेशर है पृथ्वी का, उसको ही हम लोग वायु दाब कहते हैं, ठीक है। समुद्री स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, यानी जहाँ समुद्र है, और ऊंचाई पर जाने के साथ साथ ये घटता जाता है। यानी जो एयर प्रेशर है वो आपका समुद्र के एरिए के लेवल पे, जैसे समुद्र लेवल है उस पे तो ये अच्छा रहता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते रहते हैं वैसे वैसे ये घटता चला जाता है, ठीक है। जिसके कारण ऊंचाई पर जाने पर जिस वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ये हो जाती है, ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु दाब कम होता जाएगा, वायु दाब कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा, बीमार पड़ेंगे, और बीमार होने के साथ साथ मृत्यु भी हो सकती है। पर्वतारोही जो करते हैं, पर्वत पे जो चढ़ते हैं, इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यहाँ निम्न दाब वाला छेद बनता है। निम्न दाब या बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। समझ में आ गई बात, यानी कि वायु दाब जो है वो ज़मीन के ऊपर के क्या तापमान है उसके ऊपर प्रभावित होता है। अगर अधिक तापमान वाला क्षेत्र है तो वहाँ वायु गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, क्योंकि तापमान ज़्यादा है, मौसम गर्म है, तो वायु भी गर्म हो जाएगी और गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और यहाँ पर जो है ये निम्न दाब वाला क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, अब बादल युक्त हो जाता है, आसमान में बादल भर जाएंगे, आकाश नम मौसम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कम तापमान वाले क्षेत्र यानी कि जो वायु है वहाँ ठंडी रहेगी, बर्फीले इलाकों में क्या होगा, वायु ठंडी रहेगी, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है, और भारी वायु क्या हो जाती है, निम्न त्रिज्य को होकर उच्च दाब वाला क्षेत्र बना देती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, यानी आसमान जो है वो बिल्कुल आपको साफ दिखेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखिए आपका उपकरण है जिससे आप वायु दाब को नापते हैं, वायु दाब मापी बोलते हैं, इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। ये देखिए
ठीक है। यहाँ आपको सेकंड क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप दो, अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का एक नोट लिखिए। अब आपको क्या करना है, अगले सप्ताह के जो तापमान रहा है उसको आप लिखिए। मंडे ये रहा, ट्यूसडे ये रहा, वेनसडे ये रहा, थर्सडे ये रहा, फ्राइडे ये रहा, सैटरडे ये रहा, उसको पूरा लिखिए। और अब के जो ये अब हफ्ता चल रहा है इसमें, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा, दोनों में जो परिवर्तन होगा, उसका आपको एक नोट बनाना है। ओके, अब ये आपको खुद करना है, इसलिए आप ये लोग खुद करेंगे। इसको आगे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर वन क्वेश्चन लिखा है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जो आपका तापमान की मात्रा है वो क्यों घटती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर अतितापन की मात्रा इसलिए घट जाती है क्योंकि ध्रुव की तरफ जाने से सूरज की जो किरणें हैं वो तेजी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो जोर है, उनकी जो गर्मी है वो कम हो जाती है। कर लेंगे आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये आपको लिखा है, गाँव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहन फैक्ट्रियाँ एवं अन्य कार्य प्राप्त में ईंधनों की खपत अधिक होती है। आ रही बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ा जाता है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब किस प्रकार का होता है। यानी कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा अटपटा कर दिया, आप इसे सही कर लेंगे। ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब होता है, ये यहाँ से काट देंगे, किस प्रकार ये काट देंगे। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब होता है, तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं कि ठंडे क्षेत्रों में किस तरह का वायुदाब होगा। अब देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो है वो ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। ठीक है, अब जब भारी वायु होगी तो क्या होगी, वो निम्जित हो जाएगी, नीचे हो जाएगी और उच्च दाब वाले क्षेत्र को बनाएगी, और उच्च दाब वाले क्षेत्र क्या होंगे, उसके कारण आसमान साफ और बिल्कुल बादल वाला होगा, सूरज वाला होगा। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।